आपकी होस्ट नुपुर, वेलकम टू माई चैनल इन डॉग नुपुर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस टाइम मैंने साड़ी कैरी कर रखी है और अभी जो है हम ऑल सेंट स्कूल्स में हैं और यहाँ पे आज जो है समर कैंप का लास्ट डे है और बच्चों ने पूरे वीक बहुत मस्ती करी, पूल पार्टी हुई और कल जुम्बा डांस हुआ था, मैंने उसका वीडियो भी डाला है। और फ्रेंड्स, आज समर कैंप का लास्ट डे है और आज बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाएगा, तो हम एज अ टीचर यहाँ पे हैं और सबको देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। कुछ गेस्ट भी आएंगे और फ्रेंड्स, वैसे गर्मी बहुत हो रही है, बेइंतहा गर्मी हो रही है, तो खैर अब बच्चों के लिए रिलीफ मिल जाएगा समर कैंप में, उन्होंने जो है कि आप बहुत अपनी समर वेकेशन भी इंजॉय करेंगे और हम लोग भी अपनी समर वेकेशन इंजॉय करेंगे। और फ्रेंड्स, देखिए बहुत गर्मी हो रही है, फेस भी पसीना आ रखा है, तो खैर चलते हैं बाहर और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे समर कैंप का जो स्टार्टिंग थी वो हो चुकी, समर कैंप की एंडिंग की यहाँ पे मैम जो है अभी हर बच्चे की अटेंडेंस ले रही हैं कि जिन बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। और देख सकते हैं बच्चे भी हैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आ चुके हैं। हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जब समर कैंप स्टार्ट हुआ तो शुभांगी ने मुझसे कहा कि डैडी मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो मैंने कहा कहाँ जाओगे आप, तो ये बहुत मतलब नर्वस हो गई, तो मैंने कहा चलो आपको भाई पार्टिसिपेट कराएंगे। हमारे ऑस्टन स्कूल्स में यहाँ पे समर कैंप का जो आखिरी डे, मतलब यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था वो चालू हो चुका है, अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ सिंगिंग कर रहे हैं और देखिए स्टेज पे सारा फंक्शन चल रहा है और देखिए पीछे सारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो अपने साथ आ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा। और आप बताइए हम कैसे लग रहे हैं आज आपको साड़ी में, प्लीज़ मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। समर कैंप में बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और अभी यहाँ पे देखिए जो मम्मियाँ लोग हैं बच्चों के आई हैं, उनके लेमन ड्रेस होने वाली है, सब लाइनअप हो चुकी है पीछे तक, जैसे कि भी आप देख रहे हैं। और अभी आपको भी दिखाते हैं, बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है, सारी जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उनके साथ इंजॉयमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे रेस जो है मम्मी लोगों के बीच में तगड़ी चल रही है, हर मम्मी यहाँ एकदम परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, मम्मियों के बीच में कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, सारे पेरेंट्स में से बैठे हैं और पीछे रेस जो है वो यहाँ पे हो रही है, लेमन रेस। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था आप लोगों की यहाँ हमारे ऑल सेंट स्कूल में समर कैंप चल रहा है, उसका लास्ट डे है और यहाँ पे आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे पेरेंट्स भी आए हैं बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करें गेम्स में। तो हमारे साथ कुछ यहाँ मम्मियाँ लोग मौजूद हैं बच्चों की, चलिए उनसे उनसे एक्सपीरियंस जानते हैं कि बच्चे कितना खुश हैं और कितनी एक्साइटेड हैं और उन्होंने कितना इन्जॉयमेंट किया इस पूरे समर कैंप को, चलिए मिलवाते हैं। आपका नाम क्या है? पल्लवी श्रीवास्तव जी। आपके कौन यहाँ पे स्कूल में पढ़ता है? मेरी बेटी पढ़ती है अदिति श्रीवास्तव, फर्स्ट क्लास में है जी। तो मैम ये समर कैंप चल रहा है तो आपको सब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, मेरी बेटी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है और अगर हम बोल दें आज मत जाओ तो वो बहुत रोती है, नहीं मुझे जाना है, और गर्मियों की छुट्टी वो जाना चाहती थी घूमने लेकिन नहीं गई क्योंकि समर कैंप में उसको आना था। काफ़ी कुछ
सीखने को मिलता है बच्चों को और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, चलिए थैंक यू। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको मिलवाया और यहाँ पे और भी पेरेंट्स यहाँ और मम्मियाँ लोग मौजूद हैं, उन्होंने गेम्स भी खेले और काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट कर और विनर्स भी रहेंगे। चलिए आप लोगों को मिलवाते हैं। तो मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम राधा देवल है। मेरी बेटी पढ़ती है शगुन देवल। कौन सी क्लास में? सेकंड। सेकंड क्लास में। मैम आपका क्या फील कर रही है बच्ची यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल सेंट्स में और कितनी खुश है, क्या कुछ सीखने को मिला ही होगा? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमारी बेटी यहाँ पे मतलब एडमिशन करवाया था समर कैंप के लिए, बहुत कुछ अच्छा लगा यहाँ पे। चलिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट हैं एडीएम सर, वो हमारे ऑल सेंट्स स्कूल्स में आ चुके हैं। ये हमारे स्कूल के मैनेजर सर सचिन सर हैं और एडीएम सर भी यहाँ पे आ चुके हैं बच्चों का मनोबल बढ़ाने। तो देख सकते हैं सामने स्टेज पे एडीएम सर और स्कूल के मैनेजर सचिन सर और उनके साथ आए अन्य गेस्ट भी मौजूद हैं। तो ये हमारा पूरा स्टाफ है, काफ़ी सबने मेहनत करी इक्वली समर कैंप को सफल बनाने में। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी जो फाइनलिस्ट थी वो मिल चुकी हैं इस गेम की विनर। तो ये हैं आरफ गुप्ता की मम्मी जो इस गेम म्यूजिकल चेयर गेम में विनर रही। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन बच्चों को प्राइज़ भी मिला है, तो काफ़ी ज़्यादा खुश है। तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताओ कैसा लगा, तो तुम लोगों को किस किस में मिला? अच्छा, क्रिकेट में और सबको अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग को इनका गिफ्ट दिया गया, तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं आप। सो हैप्पी समर वेकेशंस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देखा ऑल सेंट स्कूल में समर कैंप यहाँ पे फिनिश हो चुका है, सारे पेरेंट्स ने काफ़ी इंजॉय किया, कितने गेम्स हुए और उनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, हर बच्चे को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो एक अच्छा लगता है कि समर कैंप बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और किस, और अब तो समर वेकेशन चालू हो चुकी है, तो आप लोग अपनी समर वेकेशन कैसे इन्जॉय करोगे अपने कॉमेंट्स में ज़रूर से बताएगा। और फ्रेंड्स, ये पूरा ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप चलते हैं और मिलते हैं कहीं नेक्स्ट ओकेशन पर। तो फ्रेंड्स, स्कूल में समर कैंप था वो अच्छे से निपट चुका है और जैसे कि आप लोगों को बता दें, यह आज का दिन जो है वो जेठ माह का आज तीसरा मंगलवार है, जिससे देखिए वहाँ पे शरबत वगैरह का वितरण हो रहा है, हर चौराहे पे हर थोड़े थोड़े जगहों पे लोग शरबत का या भंडारे का वितरण करा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज जेठ माह का तीसरा मंगलवार है और इसी के उपरांत में यहाँ पर लोग शरबत का वितरण करा रहे हैं। स्कूल ख़त्म होने के बाद हम आ गए हैं ट्यूशन पढ़ाने, तो यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाएंगे और बहुत हालत ख़राब हो रही है। और फ्रेंड्स, इस टाइम 2:30 बज रहे दोपहर का, बहुत तेज़ धूप है और हो सकता है कितनी मेहनत करती है आपके ब्लॉगर लोग पर, लेकिन आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो और ट्यूशन पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं घर जाएंगे आराम करेंगे। और आप लोगों के लिए भी ब्लॉग सोचना पड़ता है, इसलिए सोचा कि आज हम पूरा फुल डे ब्लॉग दिखाएँ। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा समर कैंप और ट्यूशन जो भी है व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अभी फिर ट्यूशन प्राप्त करके फिर घर जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि हमने अभी ऑल सेंट स्कूल्स का समर कैंप का लास्ट डे दिखाया, जिसमें बच्चों ने बहुत से गेम्स खेले और उनके पेरेंट्स आए थे, मम्मी पापा सब ने गेम्स खेले और पार्टिसिपेट किया और लास्ट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता और स्कूल में एडीएम सर भी आए थे जिन्होंने बच्चों को सर्टिफिकेट और गिफ्ट्स दिए और सब बच्चों में काफ़ी ज़्यादा खुशी थी और बहुत इंजॉय किया और हम टीचर्स ने भी काफ़ी इंजॉय किया, खुशी हुई। और फाइनली अब जो है अब से समर वेकेशन चालू हो चुके हैं, हम टीचर्स को भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा और आप लोगों को तो रिलीफ मिल ही रहा होगा जो स्टूडेंट्स ब्लॉग्स देख रहे हैं।
और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने समर वेकेशन बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे और कहीं लोग बाहर भी घूमने जा रहे होंगे, तो प्लीज़ आप लोग बताइए आपका कैसा ये जो दिन है गुजर रहे गर्मियों के। लेकिन हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इतनी गर्मी पड़ी है कि तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो रही है। तो आज हमारे घर में भी ब्लॉगर कार्तिक की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। इसको सुबह से हमें पता चला, बाहर जो घर पर आए हम, कि इसके वॉमिटिंग हो रही है सुबह से और इसके इंजेक्शन भी लग चुका है। तो ये चीज़ सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि यार वैसे भी इतना दुबला पतला लड़का है ये और इसकी हालत ख़राब हो गई। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से भी कि गर्मी बेइंतहा पड़ी, आप लोग पानी ज़रूर पीते रहिए और टाइम टू टाइम अपना चेकअप ज़रूर कराते रहिए और जितना हो सके जूसी फूड्स वगैरह खाइए, हेल्दी फूड खाइए, बिल्कुल भी मतलब ऑयली फूड या ये सब अवॉइड करिए और बाहर कम से कम निकलने की कोशिश करिए जितना घर में हो पाए रहिए, क्योंकि अब तो समर वेकेशन चालू है। और क्या ही कहें, बस अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स आप लोग, और क्या आजकल बहुत सी पेट से जुड़ी प्रॉब्लम, वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो हम ये चाहेंगे आप लोग हेल्दी रहें, सेफ रहें और उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा ब्लॉग जो पसंद भी आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करके बताओ कि आप लोग और क्या क्या देखना चाहते हैं, और एक स्माइल के साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर लो फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 प्लीज रिक्वेस्ट है। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। और फ्रेंड्स इसका भी यूट्यूब चैनल है, जरा बीमार पड़ा हुआ है तो अभी से ब्लॉग्स नहीं आ रहे जल्दी, तो उसका यूट्यूब चैनल है ब्लॉगर कार्तिक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और चलिए इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, एक प्यार से स्माइल के साथ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। सो फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय।